आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ पर हमला करने वाले लोगों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि पत्थरबाजी सहित हमला करने वाले जहां 77 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं तकरीबन 200 लोगों के घर और दुकान सहित कच्चे पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। आज सुबह से ही पुलिस और प्रशासन की टीम भारी भरकम पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन ट्रैक्टर और दमकल सहित हमला करने वाले चिन्हित इलाकों में जाकर ऐसे लोगों के मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। आपको बता दें, कल रामनवमी जुलूस के दौरान एक जाति समुदाय द्वारा पत्थरबाजी कर जुलूस में हमला कर दिया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के पांव में गोली के छर्रे भी लगे थे, जबकि कई पुलिसकर्मी सहित कुछ अन्य लोग घायल हुए थे, जिसके बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि जिन घरों से पत्थर निकले हैं, हम उन घरों को ही पत्थर में बदल देंगे। जिसके बाद आज दोपहर से ऐसे चिन्हित लोगों के घर और दुकान को जमींदोज किए जाने की कार्यवाही जारी है। अब तक तकरीबन 200 मकान और दुकानों को जमींदोज किया जा चुका है।